नमस्कार दोस्तों, आजकल अश्लीलता पर खूब सारी बातें हो रही हैं कि भोजपुरी में बहुत सारी अश्लीलताएं हैं, गाने हैं, ये हैं, वो हैं, और उस चक्कर में मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूं कि इस अश्लीलता वाले मुद्दे को लेकर के न जाने कितने लोग रोटियाँ सेक रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, रोज़ कुछ न कुछ भलता भलता डाल रहे हैं। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। लोगों को सुधारने की कोशिश मत करिए, पहले खुद सुधरिए। सुनना बंद कर दीजिए, गाना बंद हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके बगल का, आप अभी मुंबई तक मत जाइए, पहले आपके अगल बगल गांव खेड़े में बाज़ार में कोई छोटे छोटे सिंगर्स जो हैं ये गाना शुरू करें तो इन्हीं को रोके पहले, क्योंकि यही छोटा कब बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता है। और आप ही फिर कहते हो, अरे साला हमारे यहाँ 5,000 रुपये में सट्टा गाने आया था। तो जब आपके यहाँ 5,000 रुपये में सट्टा गाने आया था तो उसी समय रोक देना चाहिए था उसको, उसी समय मना कर देना चाहिए था। तो ये चोली घाघरा ढोड़ी में हरदी और सपनवा में आती है, पता नहीं क्या ले जाती है, अची बाची चाची ठोंक देव घुसेड़ देव डाल देव निकाल देव, सब अपने आप बंद हो जाएगा। और अपने अपने प्रदेश की सरकार से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बोले कि कान में तेल डाल के मत बैठिए माननीय सीएम जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जरा नकेल कसी, तो अपने आप बदल जाएगा। सब लोग अच्छा गाने लगेंगे, फिर हर भजन गाने लगेंगे, लोकगीत गाने लगेंगे, फिर ये चोली ढोंढ़ी और घाघरा गायब हो जाएगा। ठीक है, बुरा लगे मेरी बात तो मुझे 2-4 गालियाँ दे दीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो धन्यवाद दे दीजिएगा। मैं आपका सेवक हूँ, जो कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ। हम लोग तो अपने काम में अब सुधार ला दिए हैं, हालांकि हम लोगों ने कभी कोई अश्लील फिल्म नहीं की। हाँ, हो सकता है कभी गाली गलौज डायलॉग निकल गया, वो भी हमारी वजह से नहीं, डायरेक्टर की वजह से, लेकिन अब हम लोग बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि कोई ख़राब ना हो। हमने लागल रहा बतासा बनाई, परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, मेहंदी लगा के रखना, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। अभी घुंघरू आने वाली है हमारी फिल्म, हम लागल रहा बतासा 2 बनाने जा रहे हैं, सब सिनेमा अब अच्छा बनेगा। सिंगरों को जरा रोकिए, आप लोगों का काम है।